सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कर्सर इन जावा। सो जब हम कलेक्शन एपीआई की बात करते हैं तो हम मूवमेंट की भी बात करेंगे कि डाटा के को अपने आइट्रेट करना है, डाटा के को अपने ट्रिवर्स करना है। सो हमारे पास तीन डिफरेंट किस्म के जो कर्सर्स हैं या आपके मूव करने के लिए हैं, पॉइंटर कह लें, कर्सर कह लें, तीन किस्म के हमारे पास होते हैं। एक इनमिरेशन, एक आइट्रेटर और एक लिस्ट आइट्रेटर। इनमिरेशन जो होता है ये हमारे लेगेसी टाइप जो है, जैसे वेक्टर हो गया, स्टैक हो गया, इनको इनके लिए यूज़ होता है। और फिर बाकी हम देखते हैं फर्दर क्या है हमारे पास चीज़ें हैं। जैसे इनमिरेशन हमारे इंट्रोड्यूस इन वर्जन 1, वी कैन यूज़ इनमिरेशन टू गेट ऑब्जेक्ट वन बाई वन फ्रॉम द ओल्ड कलेक्शन। वी कैन क्रिएट इनमिरेशन ऑब्जेक्ट बाई यूजिंग एलिमेंट मैथड। जैसे ये वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर डॉट एलिमेंट्स के थ्रू हम ये कर सकते हैं। सो इसमें हमारे पास क्या है, दो मेथड मौजूद हैं, हैज़ मोर एलिमेंट एंड नेक्स्ट एलिमेंट। सो हम इसको अब चेक करते हैं वेक्टर के साथ। लेट्स ट्राई विद दिस। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ, मुझे थोड़ा सा कंट्रोल जी करके बैक पे जाना पड़ेगा ताकि मेरा वही कोड मुझे मिल जाए और हमारा यहाँ पे थोड़ा टाइम सेव हो जाए। लेट्स मी सी। जी ये हमारे पास, यस राइट, नाउ इट्स फाइन। सो ये वेक्टर का मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तीन ऑब्जेक्ट मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं और पहले हमने इस मेथड के ज़रिए किया, अब मैं इनमिरेशन के थ्रू कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ जी वी डॉट, नो सॉरी, मेरे पास इसका नाम भी मैं चेंज कर दूँ, AL की जगह मैं इसको डाटा कर देता हूँ। ऑल्ट शिफ्ट आर इसकी की होती है आप सेलेक्ट करके वेरिएबल को, तो अगर आप एंटर करते हैं, चेंज करते हैं, तो हर जगह पे जहाँ ये यूज़ हुआ है वो चेंज हो जाएगा। सो आई सेव डाटा डॉट इनोमिरेशन। एलिमेंट, सॉरी, डाटा डॉट एलिमेंट्स। तो ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है, इनोमिरेशन ऑफ स्टूडेंट रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी इनोमिरेशन इंटरफेस है और ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, इनम EN के नाम से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। सो कौन से दो फंक्शन हमने कहा है जी, हैज़ मोर एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट। सो इसका तरीकाकार ये है कि मैं कहता हूँ जी वाइल EN डॉट हैज़ मोर एलिमेंट, अगर आपके पास मोर एलिमेंट है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करते जाएं। कैसे प्रिंट करेंगे आप इसको, आप कहेंगे जी EN डॉट नेक्स्ट एलिमेंट, तो ये आपको क्या रिटर्न करता है, स्टूडेंट रिटर्न करेगा, डॉट गेट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जो भी आप इसको प्रिंट करना चाहें। बल्कि मैं ये काम करता हूँ कि हमने लास्ट प्रिंट करवाया था अभी, हम वही लूप के जो ठीक है, मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ। तो या तो ये तरीका है स्टूडेंट वैल्यू इज़ इक्वल टू EN डॉट नेक्स्ट एलिमेंट, और अब आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आप डायरेक्टली हर बार अगर आप ये यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट तीन बार वो इसको यूज़ करेगा, सो दैट इज़ बैड वे। सो मैं यहाँ पे ये वेरिएबल लेके इसको प्रिंट करवाता हूँ, तो ये मेरा वही काम करेगा थ्रू इनोमिरेशन, ये मेरा यही चीज़ें प्रिंट कर रहा है। सो ये लेगजी क्लासेस के ऊपर से यूज़ हो सकता है, जैसे स्टैक है और वेक्टर है। लिमिटेशन क्या है, ये लेगजी क्लासेस के यूज़ हो सकता है और इसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को रीड कर सकते हैं, वी कैन नॉट रिमूव ऐड और रिप्लेस, हम इसके अंदर ये नहीं कर सकते। सो इसके लिए जो ये एग्जांपल है ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एग्जांपल, लेकिन मैंने आपको इसमें करके दिखा दी स्टूडेंट के साथ एग्जांपल। सो फिर हमने इसकी लिमिटेशन को दूर करने के लिए जो नेक्स्ट चीज़ देखी थी वो थी हमारे पास आइट्रेटर। आइट्रेटर हमारा यूनिवर्सल कर्सर है, इट मीन्स हर जगह अवेलेबल होगा, किसी भी कलेक्शन के लिए अवेलेबल होगा। वी कैन परफॉर्म रीड एज वेल रिमूव ऑपरेशन, दोनों काम हम ये कर सकते हैं, रीड भी और रिमूव भी। वी कैन क्रिएट आइट्रेटर ऑब्जेक्ट बाई यूजिंग आइट्रेटर, या आइट्रेटर मेथड के ज़रिए हम इसके कर सकते हैं, ये हर जगह अवेलेबल होगा। तो इसमें हमारे पास हैज़ नेक्स्ट नेक्स्ट एंड रिमूव, तीन एलिमेंट हमारे पास मौजूद हैं। सो लेट ट्राई विद दिस। डाटा डॉट आइट्रेटर, तो यहाँ पे हमारे पास
आइट्रेटर है, ठीक है। सो वैसे आइट्रेटर डॉट हैज नेक्स्ट, आइट्रेटर डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो ये मैं बल्कि वेक्टर की जगह मैं किसी और पे कर लेता हूँ इसको, ताकि ज़रा आपको आइडिया क्लियर हो जाए। लैग्जी क्लास, नॉन लैग्जी क्लास के ऊपर कर देता हूँ मैं, अरे लिस्ट एंड अरे लिस्ट मैं इसके ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, देख सकते हैं आप इसमें ई एन डॉट रिमूव, कोई एलिमेंट आप रिमूव भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी इफ़ वैल्यू डॉट गेट रोल नंबर इज़ इक्वल टू 1 है, तो क्या करे, उसको रिमूव कर दे वैल डॉट, सॉरी जो हमारा आइट्रेटर है इसका नाम भी चेंज करते हैं, आइट्रेटर डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी आइट्रेटर डॉट रिमूव, तो इसको रिमूव कर दे, एल्स प्रिंट कर दे। तो अगर आप दोबारा जाके इसको आइट्रेट करेंगे दोबारा नेक्स्ट, तो आपको ये पहले में रिमूव हो जाएगा, और दूसरे में अगर आप इसको दोबारा प्रिंट करना चाहेंगे तो वो एलिमेंट यहाँ से निकल चुका होगा। जैसे मैं इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आफ्टर रिमूविंग, सो ये आप देख सकते हैं आफ्टर रिमूविंग मैं दोबारा इसके इस आइट्रेटर से डाटा लेता हूँ जी, डाटा डॉट आइट्रेटर, और अब मैं इस पर सिर्फ प्रिंट करूँगा, रिमूव नहीं करूँगा। तो पहले विदाउट ये हम यहाँ पे कहेंगे सिस्टम डॉट आउट आइटम रिमूव्ड, यहाँ पे आइटम, बल्कि ये यहाँ हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ ये कहते हैं जी आइटम रिमूव्ड, प्रिंट सारे करेगा वो, लेकिन वो एक आइटम उसमें रिमूव कर देगा, जो कि हम बाद में इसको टेस्ट करेंगे। ये देखिए जी आइटम रिमूव, तीनों प्रिंट किए हैं, फिर मैं बाद में आया हूँ तो उसने वो जो आइटम था हमारा, अब सिर्फ दो उस प्रिंट कर रहा है, क्योंकि एक आइटम उसने रिमूव कर दिया है। सो आइट्रेटर जो होता है वो आपके पास जो फैसिलिटी दे रहा है वो रिमूव करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आइट्रेटर की भी कुछ लिमिटेशन है। आइट्रेटर एंड एनुमरेशन आर सिंगल डायरेक्शन कर्सर, ये एक ही डायरेक्शन में है, ये बैकवर्ड नहीं आ सकते, ठीक है। और हम इस पर रीड और रिमूव का ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन अपडेट का ऑपरेशन नहीं कर सकते। सो इसकी लिमिटेशन से हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो है लिस्ट आइट्रेटर, जो कि बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। और ये हमारे पास ऐड रिमूव और रिप्लेस तीनों हमें, और एडिशन, ये सारे हमें अवेलेबल है इसके अंदर। वी कैन क्रिएट लिस्ट आइट्रेटर ऑब्जेक्ट बाई यूजिंग लिस्ट आइट्रेटर मैथड ऑफ लिस्ट इंटरफेस, ये सिर्फ लिस्ट के ऊपर, यानी कि जो भी लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे सिर्फ उनके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल, यानी अरे लिस्ट के ऊपर भी ये चीज़ एप्लीकेबल है, और ये सारे इसके मेथड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ठीक है जी, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ से जो चीज़ नेक्स्ट लूँगा वो है लिस्ट आइट्रेटर ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ मैं इससे, डाटा डॉट लिस्ट आइट्रेटर क्यों मिल गया, क्योंकि मैं अरे लिस्ट जो यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ ऑफ टाइप लिस्ट, सो लिस्ट आइट्रेटर उसके लिए अवेलेबल है। सो आप अगर इसको यूज़ करना चाहें यहाँ पे, बल्कि इसको मैं कमेंट इसे करता हूँ, सो दिस यू कैन चेक, हमारे पास यही मेथड मौजूद है, नेक्स्ट नेक्स्ट इंडेक्स हैज़ नेक्स्ट, ठीक है। तो ये प्रीवियस, तो आप इसको बैक एंड फोर्थ मूव करवा सकते हैं, सेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है, प्रीवियस इंडेक्स चेक कर सकते हैं। सो ये सारे मेथड हमारे पास अब इसके अंदर मौजूद होंगे। सो ये हमारे थ्री टाइप ऑफ कर्सर थे, सो ये एग्जांपल आप इसकी देख सकते हैं, इस एग्जांपल को आप रन करके चेक करें, ठीक है। तो ये हमारा जो है आइट्रेटर के ऊपर हमारे पास जो बेसिक चीज़ है, जो यानी कि आइट्रेटर कितनी किस्म के होते हैं, जो हमारे पास इनुमरेशन और आइट्रेटर एंड लिस्ट आइट्रेटर, ये कर्सर थे, थ्री टाइप ऑफ कर्सर, इनको हमने देखा। सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे जो हमारे कलेक्शन का पार्ट नहीं है लेकिन उसी के अंदर ही काउंट होता है, मैप इंटरफेस, उसको हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।